spoofing his hour. Why? जानने के लिए बने रहिए वीडियो में. हेलो गाइस, तो कैसे माशा करते हैं, अच्छे ही होंगे. बट यार आई एम नॉट हैप्पी, क्योंकि गाइस जो है कुछ आर्टिकल्स मैंने पढ़े हैं जो पोकेमॉन गो के द्वारा दिए गए थे, पोस्ट किए गए थे. उसे पढ़ के गाइस मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यार उसमें बहुत से ऐसे अपडेट्स के बारे में लिखा हुआ था जो कि पोकेमॉन लाने वाली है. और गाइस उस अपडेट के आने पर आप स्पूफिंग नहीं कर पाएंगे. तो यार ये जो है सीक्रेट रखा हुआ है पोकेमॉन गो ने, बट यार ऐसा कुछ जो है बताया गया है, और यार वो बहुत स्ट्रिक्टली बताया गया है, क्योंकि स्पूफिंग जो है बढ़ती ही जा रही है, बहुत स्ट्रिक्टली बताया गाइस. तो आज हम इस वीडियो में आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे और कुछ ऐसे फीचर बताएंगे जिसके द्वारा गाइस हमें नियांटिक पूरी तरह से रोक सकती है स्पूफिंग करने से. और गाइस कोशिश करेंगे कि उसके सोल्यूशन भी आपको बता दूँ इसी वीडियो में. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. तो गाइस सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है गाइस आईपी एड्रेस डिटेक्शन. तो गाइस इसका मतलब ये है कि हमारी लोकेशन जो है बेसिकली कई बार पोकेमॉन गो को नहीं पता लगती, नियांटिक को नहीं पता लगती, क्योंकि गाइस वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता हमारे लोकेशन में. बट वो गाइस जानता है कि हम कहाँ से हैं अगर हम साइन अप करते हैं, या फिर जहाँ से हमारे नेटवर्क्स, या फिर जहाँ से भी वाईफाई कनेक्शन, जो मर्जी गाइस जहाँ से कनेक्शन आ रहा है उसका पता लग रहा है. और गाइस सब कुछ पता लग रहा है, बट यार ये नहीं पता लगता कि कौन स्पूफिंग कर रहा है. वो गाइस कैसे पता नहीं लगता वो भी हम आपको बता देते हैं. और यार गाइस कौन से ऐसे साइंस होते हैं जिनसे उन्हें पता लगता है कि गाइस कि ये जो बंदा है वो स्पूफिंग करता है. तो गाइस अगर आप जो है बहुत देर से खेल रहे हैं, तुरंत से आपका जो है लोकेशन चेंज होता जा रहा है तब यार पोकेमॉन गो को पता लग जाएगा. जी हाँ गाइस, क्योंकि जो लोकेशन बार बार चेंज होने से उन्हें एक तरह का सिग्नल मिलता है कि यहाँ से ये बंदा जो है एक्टिव हुआ है, अब दूसरे कंट्री से एक्टिव हो गया, अब इस कंट्री से एक्टिव हो गया. तो यार ऐसे जो है उन्हें पता लग जाता है कि ये तो भाई पक्का जो है स्पूफर है, ऐसे पता लगता है गाइस. वैसे जो अगर आप एक ही बार एक ही लोकेशन में खेलेंगे, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे, तो पता नहीं लगता कि ये बंदा स्पूफिंग कर रहा है. तो इसी तरह यार ये जो है अपडेट कुछ काम करेगा. तो गाइस बेसिकली अगर आप साइन अप कर लेंगे पोकेमॉन गो में, उसके बाद गाइस ये जब आप भी गेम खेलेंगे तो वो आपके सर्वर से जो है आईपी एड्रेस निकालेगा और पता करेगा कि कौन सी जगह में आप जो है खेल रहे हैं, और कौन सी आईपी एड्रेस की लोकेशन कौन सी है, और आप लोकेशन किस लोकेशन में खेल रहे हैं. उसी हिसाब से अगर गाइस आप अपने आईपी एड्रेस डिफरेंट, आपका आईपी एड्रेस डिफरेंट हुआ और गाइस जो है आपकी लोकेशन डिफरेंट हुई, तो यार पोकेमॉन गो ऑन करते वक्त आपको जो है एरर बता दिया जाएगा, आप ओपन ही नहीं कर पाएंगे. तो यार ऐसा कुछ जो है ये कॉन्सेप्ट होने वाला है ये पोकेमॉन गो के अंदर. क्योंकि और गाइस इसका सलूशन यही है कि आपके आईपी एड्रेस की लोकेशन और गाइस आपकी करेंट लोकेशन एक ही होनी चाहिए. तो यार इसके लिए आप क्या कर सकते हैं गाइस, मैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ. तो गाइस अगर आपने वीपीएन का नाम सुना होगा तो वीपीएन आप यूज़ कर सकते हैं. जिस कंट्री में गाइस आपको स्पूफिंग करनी है उससे आप जो है पहले लोकेशन को लगा लीजिए FGL Pro के द्वारा, उसके बाद गाइस आप लगा लीजिए उसी कंट्री में जो है वीपीएन लगा लीजिए उसी कंट्री का, और गाइस स्पूफिंग आप करके देखिएगा. तो मैंने प्रैक्टिकली नहीं किया है, आप करके देखना, अगर ये अपडेट आ जाता है उसके बाद मैं करूँगा तो आपको दिखा दूँगा. तो गाइस अब बात करते हैं दूसरे अपडेट की. यार दूसरा अपडेट ये है कि अपडेट नहीं गाइस, दूसरा कॉन्सेप्ट अपडेट तो अभी नहीं आया. दूसरा कॉन्सेप्ट गाइस ये हो सकता है कि जो पोकेमॉन गो के बोट्स हैं जो गाइस अकाउंट्स की निगरानी करते हैं और देखते हैं कि कौन जो है कर रहा है, जो गाइस बेसिकली शैडो बैन देता है और भी सॉफ्ट बैन देता है, वो गाइस बेसिकली जो होता है वो होता है गाइस बोट. जी हाँ वो बोट ही देते हैं. परमानेंटली बैन जो है वो किया जाता है एम्प्लॉय के द्वारा, जो पोकेमॉन गो के मेन ब्रांच में होते हैं उनके द्वारा किया जाता है. तो गाइस ये हो सकता है कि जो और बोट्स बढ़ाए जाए और इम्प्रूवमेंट की जाए, गाइस कुछ ऐसी इम्प्रूवमेंट की जाए कि एक ही बार कोई अगर स्पूफिंग करे तो एक आवर के अंदर ही जो उसका है
अकाउंट है वो सस्पेंड किया जाए। अगर ये हुआ तो अगर आप एक ही बार करेंगे तो आपका तुरंत जो है हो जाएगा बैन। तो ये यार बहुत बुरी बात है, बट यार क्या करें, अगर हम जो है क्राइम करेंगे तो वो सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी, बट यार क्या करें गाइस, रीज़न भी बहुत से हैं कि हम क्यों स्पूफिंग करते हैं। अब गाइस सभी के यहाँ तो बहुत सारे पोके स्टॉप नहीं होते, बहुत सारे जिम्स नहीं होते, तो यार स्पूफिंग लोग मजबूरी में करते हैं, तो ये जायज़ है यार। अगर आप दिन में एक डेढ़ घंटा पोकेमोन को खेलते हैं स्पूफिंग करके तो यार कोई बात नहीं। और गाइस शायद मैं फ्यूचर में ऐसे कुछ वीडियोस लाऊं जिससे गाइस आप न्यू अपडेट्स में भी जो है इंजॉय कर सकें स्पूफिंग पोकेमोन। और गाइस अब बात कर लेते हैं तीसरे ऐसे फीचर की जो गाइस पोकेमोन गो में आपको स्पूफिंग करने से रोकेगा। तो गाइस तीसरा जो फीचर है वो गाइस बहुत वेर्ड है और गाइस आपको बहुत अजीब लगेगा, और वो गाइस ये अपडेट ये है कि अगर आप किसी और लोकेशन में खेल रहे हैं पोकेमोन गो, अगर गाइस आप तुरंत ही अपनी लोकेशन चेंज कर लेते हैं, मतलब कि गाइस आप और गाइस लोकेशन चेंज करने के बाद अगर आप अपने एग्जैक्ट लोकेशन में आते हैं तो गाइस तुरंत जो है आपने जितने भी पोकेमोन जो है पकड़े होंगे और गाइस साथ ही साथ जितना भी डाटा जो है इकट्ठा किया होगा पोकेमोन गो के अंदर, बेसिकली गाइस वो सभी जो है क्लियर हो जाएगा। जी हाँ, मतलब जितने भी पोकेमोन आपने पकड़े होंगे वो सभी उड़ जाएंगे, जितने भी आपने एक्सपी गेन की होगी वो भी उड़ जाएगी, और जितने भी आइटम्स आपने लिए होंगे गाइस वो भी उड़ जाएंगे तुरंत ही लोकेशन जो है एग्जैक्ट होते। तो यार ये जो है बहुत वियर्ड एक कॉन्सेप्ट है, बट यार मैंने बहुत बार सुना है और इंटरनेट में ये भी बहुत मशहूर है और न्यू आया है। तो गाइस यही थे कुछ कॉन्सेप्ट जिसके द्वारा पोकेमोन गो हमें स्पूफिंग करने से रोक सकती है। तो गाइस आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इनमें तीनों में से सबसे खतरनाक जो है कॉन्सेप्ट कौन सा था। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और यार वीडियो बहुत लेट आती है इसके लिए मैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, अगर ये वीडियो आपको पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए। तो ओके बाय गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, ओके बाय।